Hello guys. So last time we are discussing something about recursion and recurrence relation. So in this lecture हमें अपनी first algorithm technique that is divide and conquer की तरफ move करना था. But before discussing that thing, हमें थोड़ा C language के बारे में एक idea रहना चाहिए. That is how the loops will work, how if else these type of statement will work. So we should have an array. The concepts of arrays we should know. So we should first cover 3-4 lecture of all this stuff, then we will move to our first algorithm technique. Okay. C language. ओके ये एक बेबी है। तो होता क्या है, बच्चे सबसे पहले बोलना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर वो बड़ा होकर CSE इंजीनियर बन जाते हैं। तो एज ए CSE इंजीनियर Your first work is to learn C language. And then you can do another stuff, girlfriend बना लो या कुछ भी. But first priority C language learn करना ही करना. Without learning C language, you cannot be a better CSE, good CSE engineer. You cannot be even CSE engineer. Okay. तो C language के बारे में कुछ देखते हैं. ये एक प्रोग्राम है जो सबने लिखा हुआ सी लैंग्वेज में. ओके, सो दिस इज माय प्रोग्राम. ऊपर दो स्टेटमेंट्स हैं, फिर मैंने हेलो प्रिंट किया हुआ है, तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, सी ए प्लस बी को सी में डलवा दिया और एंड में सी को प्रिंट करा दिया. तो वी विल डिस्कस सम स्मॉल स्मॉल थिंग्स अबाउट दिस प्रोग्राम. फर्स्ट थिंग, व्हाट इज दिस हैश? ओके, व्हाट इज दिस स्टोरी? व्हाट इज दिस? ओके, ये प्रिंट एफ क्या है, मेन क्या है? वी विल कम टू ऑल दिस थिंग्स वन बाय वन. ओके, तो दीज आर कॉल्ड हेडर फाइल्स. हेडर फाइल्स क्या करती है? लेट्स से ये प्रिंट एफ हेलो, प्रिंट एफ क्या करेगा? हेलो प्रिंट करेगा. प्रिंट एफ एक फंक्शन है. ओके, फंक्शन क्या होता है, 5 मिनट दो फिर बताता हूं फंक्शन क्या होता है. प्रिंट एफ एक फंक्शन, ये हेलो प्रिंट करेगा. अब इसने हेलो कैसे प्रिंट किया, ये कैसे काम कर रहा है, इसका कोड, इसकी स्टोरी इस हेडर फाइल में डिफाइन है. जैसे ही तुम इस प्रोग्राम को रन करोगे, ये हेडर फाइल इस प्रोग्राम के साथ एसोसिएट होगी और हेलो प्रिंट करवा देगी. बट तुम सोचोगे यार मुझे, मैं तुम बोलोगे मैं नहीं मानता कि ये एसोसिएट हो रही है, मैं क्यों मानूं? ओके, तो तुम्हें कुछ प्रूफ चाहिए कि इसमें ये हेडर फाइल इंक्लूड हो भी रही है नहीं हो रही, प्रिंट एफ का कोड इसमें आ भी रहा है नहीं आ रहा. तो ठीक है, क्या करो, इस प्रोग्राम में कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, टोटल 10 लाइन इन दिस प्रोग्राम. जब तुम ओल्ड एफ नाइन प्रेस करोगे, मतलब कंपाइल करोगे, कंपाइल क्या होता है, वी विल चेक. तो वहां पे लिखा आता है टर्बो सी कंपाइलर में कि क्या लिखा आता है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कंपाइल्ड. तो वहां पे तुम्हें कुछ 200-300 लाइन कंपाइल दिखाएगा. इसका मतलब इन 10 लाइन के अलावा हमारे प्रोग्राम में कुछ और भी लाइंस है, वो लाइंस इन हेडर फाइल से आ रही है. सो मतलब ये हेडर फाइल इस प्रोग्राम के साथ एसोसिएट हो रही है, कंपाइल हो रही है, ये पता पड़ गया. अच्छा, अब फंक्शन मेन. मेन इज द स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम, एवरी सी प्रोग्राम स्टार्ट विद मेन. मेन इज द फंक्शन, ठीक है? ये फंक्शन, हर फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा. क्यों करेगा? तुमने मैथ में रिलेशन फंक्शन ये सब चीजें पढ़ी है, मैथ में रिलेशन फंक्शन ये सब चीजें पढ़ा है. रिलेशन क्या होता है, रिलेशन फ्रॉम एक्स, रिलेशन क्या होता है, लेट्स से मतलब अगर नहीं पढ़ा तो एक बार ये देख लेना. रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 है, ये 1 इससे रिलेट हो सकता है, ये 1 2 मतलब 1 1 और 1 2 दोनों हमारे सेट में आ सकते हैं. पर फंक्शन के केस में अगर मैं 1 बोलूंगा तो मुझे या ए की वैल्यू देगा, ये दोनों हमारे फंक्शन के अंदर नहीं हो सकते. मतलब ये फंक्शन और वो फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है. जब फंक्शन का मतलब यहां पे मैं 2 बोलूंगा तो मुझे इन तीनों में से ए की वैल्यू देगा, मतलब फंक्शन ए की वैल्यू रिटर्न करता है. यही कंसेप्ट यहां पे है हमारे सी प्रोग्राम में कि फंक्शन खाली एक वैल्यू रिटर्न करेगा. ओके, ठीक
ठीक है। तो एक बात और, ये भी एक प्रिंटर भी एक फंक्शन है, मैं शुरू में बोला, तो प्रिंटर फंक्शन भी कुछ रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा देखते हैं। अब मेन फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर मैंने एक दूसरा फंक्शन कॉल किया हुआ है, दिस इज नोन एज फंक्शन कॉलिंग। ये फंक्शन कॉल कहां से होगा, ये फंक्शन इस हेडर फाइल में डिफाइन है, तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ये कॉलिंग का सिंटेक्स है, इतनी सी बात। ये फंक्शन इधर कॉल हुआ, दिस इज फंक्शन कॉलिंग ऑफ प्रिंटर। ठीक है, ये फंक्शन कॉल हुआ, हर फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब प्रिंटर भी कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, अब तुम कैसे चेक करोगे प्रिंटर क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो तुम इस स्टेटमेंट कैसे लिखो, एक्चुअली में प्रिंटर रिटर्न करता है उसने जितने लेटर प्रिंट किए। प्रिंटर का काम है अपने कंसोल पे, अपने मॉनिटर पे हेलो प्रिंट कर देना। तो हेलो मतलब 1 2 3 4 5 वर्ड्स है, कुछ पांच वर्ड, कुल 5 वर्ड्स प्रिंट किए। तो तुम ऐसा करो, इस स्टेटमेंट को मॉडिफाई करके ऐसे लिखो, इंटीजर एक्स इक्वल्स टू प्रिंट एफ हेलो, और बाद में इस एक्स को प्रिंट करो। तुम जब इस एक्स को प्रिंट कराओगे तो तुम्हारे रिजल्ट आएगा 5, मतलब प्रिंटर क्या रिटर्न कर रहा है, ये कितने लेटर्स है, ये प्रिंटर रिटर्न करेगा। इंटीजर एक्स, इंटीजर ए, इंटीजर बी, मैं जस्ट अ ब्रीफ दे देता हूँ, ये हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है, लेट से टर्बो सी कंपाइलर में इंटीजर 2 बाइट ले रहा है, 2 बाइट मतलब 1 बाइट मतलब 8 बिट, 2 बाइट मतलब 16 बिट। ठीक है, तो इंटीजर ए लिखा, इसका मतलब 16 बिट या 2 बाइट मेमोरी में रिजर्व हो गए। ठीक है, ये मेमोरी कौन सी, मेन मेमोरी। ठीक है, तो ये मेन मेमोरी में ये हमारा ए के लिए 2 बाइट रिजर्व हो गए। ठीक है, ये बी मैंने 6 किया, यहाँ पे 4 बाइनरी में यहाँ पे 4 वैल्यूज आ गई, मतलब 4 यहाँ पे स्टोर हो गए, क्योंकि ए को मैंने 4 असाइन किया है, लेट से यहाँ पे 4 पड़ा। ठीक है, सिमिलरली बी के लिए भी ऐसा हुआ, बी के लिए क्या हुआ, ये बी के लिए मेमोरी में 2 बाइट फिर से स्टोर हो गया, बी में 6 पड़ा। अब मैंने एक और सी वेरिएबल डिफाइन कर दिया, सी में मैंने इन दोनों का रिजल्ट डलवा दिया 10। ठीक है, ओके, सी में मैंने 10 डलवा दिया, सी भी 2 बार मेमोरी में स्टोर है, सी में इनिशियली 10 पड़ा। यहाँ पे सी को मैंने कुछ असाइन नहीं किया, तो इनिशियली यहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई, जब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगी तो यहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई। ठीक है, अच्छा, सी में फिर तुमने 2 ऐड कराया तो गार्बेज वैल्यू 10 से रिप्लेस हो जाएगी। दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बट जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस आई एम एक्सप्लेनिंग वंस ओनली वंस। ठीक है, फिर मैंने यहां से सी को प्रिंट करा दिया, किसी वेरिएबल को प्रिंट कराने का ये सिंटेक्स है, परसेंटेज डी, दिस इज यूज फॉर इंटीजर। ठीक है, सो दिस इज स्टोरी। अच्छा, अब थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या होता है, इन कंपाइलेशन से पहले कुछ प्री प्रोसेसिंग होती है। प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, ये सब हेडर फाइल इस प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएगी, और भी कुछ कुछ चीजें प्री प्रोसेसर, मतलब जैसे जैसे प्री प्रोसेस हम आगे बढ़ेंगे तुम्हें मैं साथ साथ बता रहूंगा प्री प्रोसेसर और क्या करता है। सॉरी। ठीक है, अब तुमने सबसे पहले तुम ओल्ड F9 देखा दो, ओल्ड F9 का मतलब इस प्रोग्राम को तुम कंपाइल करते हो, कुछ बग आते हैं, कुछ एरर आ जाएगी, तुम्हारे प्रोग्राम में ये दिक्कत है। फिर तुमने मान लो सारे एरर्स रिमूव कर लिए, फिर तुम कंट्रोल F9 दबाते हो टर्बो सी कंपाइलर में, तो फिर भी कुछ एरर आ जाते हैं। टीचर ऐसे बोलता है कि कुछ कंपाइल टाइम एरर होते हैं, कुछ रन टाइम एरर होते हैं। ठीक है, हम इसके थोड़ा और क्लियर मतलब जानते हैं, क्या कंपाइल टाइम क्या रन टाइम। ओके, टीचर ने बोला बच्चों सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम लिखो, तुमने ये प्रोग्राम लिख दिया, 2 वेरिएबल लिए और यहाँ पे तुमने गलती से ए प्लस बी लिख दिया। ठीक है, आई एम रिमूविंग फर्स्ट ऑफ, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ओके, टीचर ने बोला सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम लिखो, तुमने ये प्रोग्राम दे दिया। ठीक है, लेट से ये तुमने सेमी कोलन मिस कर दिया। ठीक है, तुमने सबसे पहले कंट्रोल एफ नहीं दबाया, एरर आएगा सेमी कोलन मिसिंग, तुमने प्रोग्राम रन नहीं किया, रन मतलब ये सब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सीपीयू इन सब स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। सीपीयू कैसे एग्जीक्यूट करेगा, सीपीयू का मतलब उसके पास बहुत सारे गेट्स है, एंड गेट, और गेट, नोर गेट, तो वो अंदर कैसे कैसे हो रहा है वो भी हमें जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके,
तो अभी तुमने जस्ट अभी कहीं सीपीयू का रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंपाइलर का रोल आया हुआ है। ठीक है, कंपाइलर क्या है? कंपाइलर इज 1 लाख लाइंस ऑफ कोड, बहुत बड़ा कोड कुछ लिखा हुआ है कंपाइलर हुआ, उसमें बहुत सारे फेज होते हैं, लेक्सिकल, सिमेंटिक। आगे इस सेमेस्टर में तुम्हारा आएगा, इस सेमेस्टर में, तब वो कंपाइलर की स्टोरी तुम पढ़ोगे। ठीक है, तो कंपाइलर में क्या हुआ, ये सेमी कोलन मिसिंग है, कंपाइलर ने बता दिया कि आपका सेमी कोलन मिसिंग है, तुमने यहाँ पे सेमी कोलन लगा दिया। कंपाइलर और भी बहुत सारे इश्यूज बताता है कि मतलब तुम जस्ट आई एम गिविंग ए स्मॉल एग्जाम्पल, तुमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, फिर तुमने प्रोग्राम रन किया, तुम्हारा एक्सपेक्टेड क्या था कि टीचर ने माइनस का प्रोग्राम बोला तो मेरा रिजल्ट आना चाहिए 4 - 6 दैट इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, पर जैसे तुमने कंट्रोल एफ में, इसने क्या प्रिंट किया, a+b 10। तो कंपाइलर ये तुम्हारे लॉजिकल इश्यूज नहीं बताएगा, ये तुम्हें रन टाइम पे पता पड़ेगा। ठीक है ना, तुमने प्रोग्राम का लॉजिक गलत लिखा है तो कंपाइलर क्यों बताएगा, ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपाइलर जस्ट स्टेट सिंटेक्स, सिमेंटिक एरर, ये सब बताता है, लेक्सिकल एनालिसिस, आई विल टेल यू ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, लेटर वी विल गेट टू नो। पर एक रनिंग टाइम में जो एरर आते हैं वो तुम्हारे लॉजिक की गलती होती है। एक तुम्हें रनिंग टाइम का एरर का मैं और एग्जांपल देता हूँ, एक रिकर्सिव प्रोग्राम है, हम रिकर्सिव प्रोग्राम पीछे पढ़ते हैं पिछले लेक्चर में, वहां पे तुमने डिलिमिनेशन कंडीशन नहीं लगाई, ये स्टैक है, स्टैक में सब आते जा रहे हैं, फैक्टोरियल 5 आया, 4 आया, फैक्टोरियल का प्रोग्राम 3 आया, 1 पे तुम डिलिमिनेशन कंडीशन नहीं लगाते, ये स्टैक भरती जाती, तो क्या रह रहा था, स्टैक ओवरफ्लो आ रहा, वो भी रन टाइम पे आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं तुम्हें, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो मतलब हमें प्रोग्राम की स्ट्रेंथ कब पता पड़ती है, प्रोग्राम कितना बड़ा है कितना छोटा है हमें रन टाइम पे पता पड़ती है, कंपाइल टाइम पे हमें कभी नहीं बता सकता। इतना सा प्रोग्राम है, उसे तुम अंदर रिकर्सिवली हजारों बार कॉल कर रहे हो, तो वो प्रोग्राम कितना टाइम लेगा, तुम तो बोलोगे 5 लाइन का प्रोग्राम है। ठीक है, तुमने इसे रिकर्सिवली हजार बार कॉल कर दिया, तो एक्चुअल में तो प्रोग्राम हजार बार एग्जीक्यूट हुआ, बहुत सारा टाइम लेगा, बट एक लेमैन क्या बोलेगा, ये तो 5 लाइन का प्रोग्राम है, ये तो बहुत जल्दी चल जाएगा, है ना, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, तो इसका मतलब प्रोग्राम कितना टाइम ले रहा है हमें खाली रन टाइम पे पता पड़ता है। ठीक है ना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एल्गो रहता है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गो, कि जिसकी जॉब सबसे छोटी है, जिस जो सबसे कम टाइम लेगी सीपीयू पहले उसे एग्जीक्यूट करेगा। आई एम जस्ट मूविंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस स्मॉल स्टोरी। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो इसे छोड़ देना, कोई फाइट नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गो, जिस जिस प्रोसेस की जॉब सबसे छोटी है, जो प्रोसेस सबसे कम टाइम ले रहा है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। पर यार प्रोग्राम की असली पावर कब पता पड़ती है, रन टाइम पे, तो ये मैं पहले तो पता लगा ही नहीं सकता कौन सा प्रोग्राम कितना टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गो की कोई प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि रनिंग टाइम पे प्रोग्राम की असली पावर पता पड़ती है। ठीक है, आई थिंक आई मेक इट वेरी क्लियर, कुछ डाउट है तो वीडियो में कमेंट में लिखना, इस टाइम पे ये डाउट था। ठीक है, तो दिस इज स्मॉल प्रोग्राम। ओके, हमने देखा प्री प्रोसेसर क्या होता है, इसको प्रिंट एफ को ये सब हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के लिए, थोड़ा कंपाइल टाइम और थोड़ा रन टाइम, ये सब पता पड़ा। मेन मेन समझ लो, हर प्रोग्राम का पापा है, मेन से सब प्रोग्राम स्टार्ट होगा, हर फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, वॉइड मतलब ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता। ठीक है, प्रिंट एफ अभी मैंने तुम्हें दिखाया क्या रिटर्न करता है, जितने नंबर ऑफ लेटर हम प्रिंट कर रहे हैं, ए बी सी, ये मेमोरी एलोकेशन की बातें। ओके, सो दिस इज सी प्रोग्राम, दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, तुम्हें पहले इतना पता होना चाहिए, मतलब इफ देर दिस इज अनदर हेडर फाइल, इसका मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ठीक है, ओके, जब मैं बीटेक में पढ़ता था मैं ये सोचता था कि यार ये अजीब सा क्या लिखा हुआ है, ये जैसे ये सिंटेक्स है, ये दिस इज अ सिंटेक्स ऑफ प्रिंटिंग एनी वेरिएबल, यू कांट डू एनीथिंग इन दिस, तुम्हें परसेंटेज डी मतलब इंटीजर पर प्रिंट करवाना है। ठीक है, यहाँ परसेंटेज एफ लिखता तो फ्लोटिंग पॉइंट प्रिंट होता। ठीक है, हर वेरिएबल करेक्टर 1 बाइट लेता है, 1 बाइट मतलब 8 बिट, फ्लोट 4 बाइट लेता है, 4 बाइट मतलब 32 बिट, ये सब पता होना चाहिए, इंटीजर फ्लोट करेक्टर। ठीक है, ओके, एंड सो दिस इज जस्ट एन सिंटैक्स ऑफ अवर सी प्रोग्राम, वी विल गो नेक्स्ट इन सब इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक्स, बाय।